हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5 में से सम नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अ कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर इज वाउंड अबाउट अ सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर एज टू कवर द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो हमें यहाँ पर कहा गया कि एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, और उस सिलेंडर के चारों तरफ उसके कर्व सरफेस पर एक कॉपर वायर को वाउंड करना है, यानी कि लपेटना है, और उस वायर का जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ कॉपर टू बी 8.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मीन्स हमें यहाँ पर उस वायर की लेंथ को और उसके मास को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 10 और जिसकी हाइट है 12, और इसके चारों तरफ इसके कर्व सरफेस पर इस तरह से कॉपर वायर को लपेटना है, और उस कॉपर वायर का डायमीटर हमें दिया गया था 3 मिलीमीटर, यानी कि जब उसको एक बार लपेटा जाएगा तो एक रिवॉल्यूशन में, एक बार के लपेटने में वो उसकी 3 मिलीमीटर हाइट को कवर करेगा। इसी तरह से जब दूसरी बार उसका चक्कर लगाया जाएगा, यानी कि जब दूसरी बार उसको लपेटा जाएगा तो वो और 3 मिलीमीटर को कवर कर लेगा। तो इस तरह से अब सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उस सिलेंडर के पूरे कर्व्ड सरफेस को ढकने के लिए, कवर करने के लिए उस कॉपर वायर को कितनी बार उसके ऊपर लपेटा जाएगा, यानी कि कितने चक्कर उसके लगाने होंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 1 राउंड ऑफ वायर विल कवर 3 मिलीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर, कि उस वायर का जो एक राउंड है, यानी कि जो एक चक्कर है, वो सिलेंडर की हाइट का 3 मिलीमीटर कवर करता है, क्योंकि उस कॉपर वायर का डायमीटर ही 3 मिलीमीटर है। तो नंबर ऑफ राउंड्स को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि ये पता करने के लिए कि कॉपर वायर को कितनी बार लपेटना पड़ेगा उस सिलेंडर को कवर करने के लिए, उसके लिए हम उस सिलेंडर की हाइट को, यानी कि 12 सेंटीमीटर को, उस कॉपर वायर के डायमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो सिलेंडर की हाइट है 12 सेंटीमीटर और कॉपर वायर का डायमीटर है 3 मिलीमीटर, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं 3/10 सेंटीमीटर, और 3/10 को 0.3 भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ऊपर है 12 और नीचे है 0.3, जिसका डेसिमल रिमूव करके हम डिनोमिनेटर में तो 3 को लिख देंगे और इसके ऊपर आ जाएगा 10। अब यहाँ पर 3 से 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पर। नाउ 4 × 10 = 40। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस कॉपर वायर को उस सिलेंडर के ऊपर 40 बार लपेटना होगा, यानी कि 40 राउंड उसके लगेंगे, तब जाकर वो सिलेंडर को पूरी तरह से कवर कर लेगा। Now, length of wire required in 1 round is equal to circumference of the base of cylinder. तो ये पता करने के लिए कि जो कॉपर वायर है उसकी एक राउंड की लेंथ कितनी होगी। जैसे कि अगर आप सिलेंडर को ऊपर से देखते हो, यानी कि आप सिलेंडर का केवल एक फेस देखते हो, तो आपको इस तरह से वो सर्कुलर शेप में दिखाई देगा, और उसी के चारों तरफ उस कॉपर वायर को लपेटना है इस तरह से। तो एक राउंड की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें उस सिलेंडर के बेस का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो क्योंकि सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल की शेप में होगा, और उसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पर उस सिलेंडर के जो बेस की रेडियस है वो होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें गिवन था कि उसका डायमीटर 10 है, दैट मीन्स कि उसकी रेडियस हो जाएगी 5। तो यहाँ पर हम रेडियस, यानी कि आर की जगह पर लिख देंगे 5 को, देन 2π × 5 = 10π। बट जैसे कि अभी हमने फाइंड आउट किया था कि उस सिलेंडर को कवर करने के लिए कॉपर वायर को 40 बार लपेटना होगा, यानी कि 40 राउंड्स उसके लगेंगे, तो उन 40 राउंड की वायर की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम एक राउंड की लेंथ को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 400π। अब यहाँ पर जब हम पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 22/7, तो यहाँ पर 400 × 22 = 8800, और इसके डिवाइड में है 7।
यानी कि जो कॉपर वायर उस सिलेंडर के ऊपर लपेटना है, बाउंड करना है, उसकी टोटल लेंथ होनी चाहिए 8800 बाय 7, जिसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और 7 से जब हम 8800 को डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा 1257.14 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो डेसिमल है वो दो डिजिट्स इधर आ जाएगा, तो 12.5714, जिसको टू डेसिमल प्लेसेस तक हम लिख सकते हैं 12.57 मीटर। नाउ अब उसका मास फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उस वायर की वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि उसकी लेंथ है 12.57 और उसकी जो रेडियस है वो है 0.15, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि उसका डायमीटर है 3 मिलीमीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था 0.3 मिलीमीटर में। तो अगर उसका 0.3 सेंटीमीटर में, तो अगर उसका डायमीटर 0.3 है तो इसकी रेडियस निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द वायर इज 0.15 सेंटीमीटर। तो अगर हम उसकी रेडियस को सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो उस वायर की जो लेंथ है उसको भी हम सेंटीमीटर वाली ही यूज़ करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वायर, तो क्योंकि एक वायर सिलेंडर की शेप का होता है तो इसलिए उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम सिलेंडर के ही वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई देन आर स्क्वायर यानी कि 0.15 का स्क्वायर और एच यानी कि सिलेंडर की हाइट, मीन्स कि उस वायर की लेंथ जो कि सेंटीमीटर में होगी 1257.14। तो अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 22/7 और उसके बाद जब इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें उसकी वॉल्यूम मिल जाएगी 88.898 क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड नाउ उसका मास फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमें कहा गया था एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो कॉपर है उसका मास है 8.88 ग्राम, तो जितना वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया है अब उस वॉल्यूम को हम 8.88 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 789.41 ग्राम और यही उस कॉपर वायर का मास है। इसके बाद सम नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है अ राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज से अलग राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स होती हैं उसका बेस और परपेंडिकुलर वो हमें गिवन है 3 एंड 4। और आगे कहा गया है कि इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, कि इस ट्राइंगल को इसके हाइपोटेन्यूज के अलोंग रिवॉल्व किया गया, यानी कि इसको घुमाया गया। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी होगा 90 डिग्री का, ए बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है यानी कि ए सी, ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो जब इसके हाइपोटेन्यूज को फिक्स करके इस ट्राइंगल को रोटेट किया जाएगा तो इस तरह की शेप हमें मिलेगी और ये शेप एक डबल कोन की शेप होगी जिसमें एक कोण ऊपर की ओर बना हुआ है और एक कोण नीचे की ओर बना हुआ है। और सेम इसी टाइप का सम आप 9th क्लास में भी कर चुके हो, जहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को जब उसके परपेंडिकुलर के अलोंग रिवॉल्व किया था तो इस तरह से हमारे पास वहाँ पर कोण बना था। बट यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको उसके हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व करवाया गया है, यानी कि यहाँ पर एक डबल कोण बन गया है। सो फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। तो इस तरह से जो डबल कोन बना है हमें उसका वॉल्यूम एंड उसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल था ए बी सी, जिसमें ए बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ए सी है इसका हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होगा। सो द डबल कोन सो फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज इज शोन इन द फिगर। नाउ हाइपोटेन्यूज ए सी, जैसे कि आप सभी को पता है कि एच का स्क्वायर इक्वल्स टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहाँ पर h की वैल्यू को निकालने के लिए ये जो स्क्वायर है वो इधर आ जाता है रूट में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो उसका हाइपोटेन्यूज यानी कि जो AC होगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 इज 25 एंड 25 का रूट हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो यहाँ पर AC है इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों कोन्स की जो कंबाइंड हाइट है वो भी 5 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन दोनों कोन्स की जो कंबाइंड हाइट है उसको हमने फाइंड आउट किया, तो पहले वाले कोन की हाइट होगी AO, दूसरे वाले कोन की हाइट होगी CO और इन दोनों का सम हमें यहाँ पर गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये हमने खुद फाइंड आउट किया है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों कोन्स का जो डायमीटर होगा वो सेम होगा क्योंकि दोनों का जो सर्कुलर एंड है उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि दोनों कोन्स की जो रेडियस है वो भी इक्वल ही होगी। तो इन कोन्स की रेडियस हो जाएगी BO और इस BO को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्राइंगल ABC के एरिया के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ABC का एरिया हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार तो अगर हम AC को बेस मान लें और इस BO को इसका परपेंडिकुलर यानी कि इसको इसकी हाइट मान लें, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1/2 इंटू AC इंटू OB। तो ऐसे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। या फिर जैसे कि हमें पहले ही पता है कि AB और BC के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आप यहाँ से भी उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो कि 1/2 इंटू BC इंटू AB। और दोनों बार जो एरिया हम निकालेंगे वो दोनों ही एरिया उस ट्राइंगल ABC के ही एरिया आएंगे, यानी कि हम उन दोनों को एक साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है 1/2 इंटू AC इंटू OB यानी कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और दूसरी बार हम इसको लिख देंगे 1/2 4 इंटू 3 यानी कि एक बार हमने यहाँ पर AC को बेस और OB को हाइट माना है और एक बार यहाँ पर हमने BC को बेस और AB को हाइट माना है यानी कि 4 एंड 3 को। सो 1/2 इंटू AC इंटू OB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 3। तो अब यहाँ पर 2 से 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, सो 2 इंटू 3 इज 6 एंड AC की वैल्यू जो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट की थी वो है 5। तो यहाँ पर OB को फाइंड आउट करने के लिए 6 के साथ हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इस 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो 6 इंटू 2 इज 12 एंड डिवाइड बाय 5, तो 12/5 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उस OB की लेंथ को फाइंड आउट किया है 2.4 सेंटीमीटर और यही उन दोनों कोन्स की रेडियस भी होगी। सो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, तो हमें यहाँ पर उसका वॉल्यूम एंड उसके सरफेस एरिया दोनों को फाइंड आउट करना है। तो उसके वॉल्यूम के लिए हमें फर्स्ट कोन के वॉल्यूम को एंड सेकंड कोन के वॉल्यूम को एक साथ ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों कोन्स की जो रेडियस है वो तो सेम है, तो इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ R से। बट उन दोनों की हाइट अलग अलग है, एक की हाइट है AO और दूसरे की हाइट है CO, तो इसलिए हम एक की हाइट को H1 से और दूसरे की हाइट को H2 से हम दिखा सकते हैं। और आप यहाँ पर यह भी देख सकते हो कि H1 और H2 का जो सम है वो है 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए उन दोनों कोन्स की वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1 एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H2। आप देख सकते हो कि दोनों में हाइट को अलग अलग यूज़ किया गया है H1 एंड H2, बट दोनों में रेडियस को सेम ही यूज़ किया गया है R। अब हम यहाँ पर इन दोनों में से 1/3 पाई एंड आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा H1 प्लस H2। तो यहाँ पर जब वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा 1/3, देन पाई की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 3.14
एंड आर यानी कि रेडियस जो अभी हमने फाइंड आउट की थी 2.4 एंड H1 प्लस H2 जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि उन दोनों कोन्स की हाइट का जो सम है वो होगा 5 के इक्वल। तो जब यहाँ पर इसको सोल्व किया जाएगा 1/3 इंटू 3.14 उसके बाद 2.4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 5.76 एंड इंटू 5। तो जब हम इस सभी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 30.14 क्यूबिक सेंटीमीटर और ये उस डबल कोन का वॉल्यूम है। नाउ उसके सरफेस एरिया के लिए हमें फर्स्ट कोन के सरफेस एरिया को एंड सेकंड कोन के सरफेस एरिया को एक साथ ऐड करना होगा। तो फर्स्ट कोन के लिए पाई आर इंटू L1 एंड सेकंड कोन के लिए पाई आर इंटू L2। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि उन दोनों कोन्स की जो स्लेंट हाइट होगी यानी कि जो L होगी, तो फर्स्ट कोन के लिए स्लेंट हाइट है 4 और सेकंड कोन के लिए जो स्लेंट हाइट है वो है 3। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि पाई और आर को यहाँ पर दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ बचेगा L1 एंड L2। तो L1 इज 4 एंड L2 इज 3। सो यहाँ पर पाई की जगह पर 3.14, आर यानी कि रेडियस इज 2.4 एंड 4 प्लस 3 इज 7। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 52.75 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये उस डबल कोन का सरफेस एरिया है। इसके बाद सम नंबर 3, अ सिस्ट्रीन इंटरनली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर हैज 1,29,600 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन इट। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक सिस्ट्रीन यानी कि एक टैंक जिसके डायमेंशंस हमें दिए गए हैं, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी गई है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दैट मीन्स कि हम ये मानकर चलेंगे कि जो सिस्ट्रीन है यानी कि जो टैंक है वो एक सिलेंडर जो वो टैंक है वो एक क्यूबॉइड की शेप में है क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है। और साथ ही हमें कहा गया है कि उस सिस्ट्रीन के अंदर इतने क्यूबिक सेंटीमीटर पानी है 1,29,600 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर आगे इसमें कहा गया है कि पोरस ब्रिक्स, पोरस एक ऐसा मटेरियल जिससे ब्रिक्स को यानी कि ईंटों को बनाया जाता है और जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है यानी कि सोख लेता है। सो पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अनटिल द सिस्ट्रीन इज फुल टू द ब्रिम। तो यहाँ पर कहा गया है कि उस सिस्ट्रीन के अंदर यानी कि उस टैंक के अंदर कुछ ब्रिक्स को कुछ ईंटों को डालना है और तब तक डालते रहना है जब तक वो पानी उस टैंक के ब्रिम यानी कि उसके किनारे तक ना आ जाए। इसका मतलब ये है कि जो टैंक है वो पानी से पूरा ऊपर तक भरा हुआ नहीं है, वो पानी उस टैंक के अंदर थोड़ा सा कम है और उस पानी के लेवल को, उस वाटर लेवल को बिल्कुल ऊपर तक लाने के लिए हमें उसमें कुछ ब्रिक्स को यानी कि कुछ ईंटों को डालना होगा। और साथ ही हमें ये भी कहा गया है ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/17 यानी कि 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जो ब्रिक है यानी कि जो ईंट है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट यानी कि 1/17 पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर कि उस टैंक के अंदर कितनी ब्रिक्स को डाला जा सकता है पानी को ओवरफ्लो किए बिना, यानी कि पानी उस टैंक से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस वाटर का लेवल केवल उस टैंक के ब्रिम तक यानी कि उसके किनारे तक आ जाना चाहिए। जबकि ब्रिक्स के डायमेंशंस हमें दिए गए हैं 22.5, 7.5 एंड 6.5, तो यानी कि जो ब्रिक है वो भी एक क्यूबॉइड की शेप में ही है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उस टैंक के अंदर कितना स्पेस खाली है, उसके मेजरमेंट हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले उसके वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करेंगे और उसमें से उस वाटर के वॉल्यूम को माइनस करके हम ये पता करेंगे कि कितना स्पेस उस सिस्ट्रीन के अंदर खाली है। सो वॉल्यूम ऑफ सिस्ट्रीन इज 150 इंटू 120 इंटू 110 क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का और ये लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें स्टेटमेंट में ही दिए गए थे। तो अब हम उस सिस्ट्रीन का वॉल्यूम लिख सकते हैं 19,80,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद जैसे कि हमें पता है कि उस सिस्ट्रीन के अंदर पहले से ही इतना पानी अवेलेबल था, तो अब हम यहाँ से उसकी टोटल वॉल्यूम में से
जो पानी का वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 18,50,400 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि अभी भी उस सिस्टर्न के अंदर इतना स्पेस खाली है जिसके अंदर हमें ईंटों को भरना है। तो जब उसके अंदर हम ब्रिक्स को डालेंगे तभी उस वाटर लेवल को हम ऊपर कर सकते हैं। नाउ अब हम ये लेट करके चल रहे हैं कि लेट एन नंबर्स ऑफ पोरस ब्रिक्स वर प्लेस्ड इन द सिस्टर्न। तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस सिस्टर्न के अंदर एन ब्रिक्स को रखा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, अब जैसे कि एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है। तो उन सभी n ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम उसी एक ब्रिक के वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1096.875 n क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये n ब्रिक्स का यानी कि उन सभी ब्रिक्स का वॉल्यूम है जो उस टैंक के अंदर, उस सिस्टर्न के अंदर डाली गई हैं। बट n ब्रिक्स को डालने के बाद भी जो n ब्रिक्स उनके अंदर डाली गई हैं तो वो n ब्रिक्स उसके उस सिस्टर्न के पानी को एब्जॉर्ब भी करेंगी, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था कि ईच ब्रिक एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम, कि जो ब्रिक है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड बाय दिस ब्रिक्स, तो उन ब्रिक्स ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम उन सभी ब्रिक्स के वॉल्यूम को ही 1/17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें गिवन था कि जो एक ब्रिक है वो 1/17 पार्ट अपने वॉल्यूम का एब्जॉर्ब करती है। तो इसको जब हम 1/17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एन बाय 17 इंटू 1096.875। सो अब हम यहाँ पर एक इक्वेशन बनाएंगे उस n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए इतना स्पेस उस सिस्टर्न के अंदर खाली है, जैसे कि अभी हमने फाइंड आउट किया था कि उस सिस्टर्न का ये वॉल्यूम है और उसके अंदर इतना वाटर अवेलेबल है। तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये फाइंड आउट किया था कि उस टैंक के अंदर कितना स्पेस खाली है। तो इतना स्पेस उस टैंक के अंदर खाली है जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इतना वॉल्यूम उन ब्रिक्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि ये स्पेस भी उस टैंक के अंदर जो खाली स्पेस है उसी में काउंट किया जाएगा। और इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए उन सभी ईंटों के, उन सभी ब्रिक्स के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि जब हम उसके अंदर n ब्रिक्स को डालेंगे तो उन सभी ब्रिक्स का जो वॉल्यूम होगा वही उस टैंक के अंदर खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और उस जो उसके अंदर वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना होगा, तो हम इन दोनों को लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर है 1096.875 इंटू n, और यहीं पर हम माइनस में ले आएंगे इसको n बाय 17 इंटू 1096.875। अब यहाँ पर इन दोनों में से अगर हम 1096.875 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा n माइनस n बाय 17, और इनको जब हम एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17n माइनस n बाय 17 मीन्स ये हो जाएगा 16n बाय 17। तो इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट करके हमने लिख दिया है 16n बाय 17 इंटू 1096.875। और अब यहाँ से इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसके पास जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं हम उन सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नंबर हो जाएंगे 18,50,400 इंटू ये 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 16 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इसी के साथ 1096.875 भी आ जाएगा। अब आप इसका पॉइंट हटाकर यहाँ पर 1000 भी लिख सकते हो। तो इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ रही है 1792.41, जिसका
राउंड फिगर करके हम लिख सकते हैं कि 1792 ब्रिक्स उस सिस्टेन के अंदर रखी जा सकती हैं, और यही इस सब में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.5 के सम नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।